हेलो स्टूडेंट, स्टडी नाइनलाइन में विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों सुबह के 8 बज चुके और आपका बहुत विज्ञान क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट आप लोग क्लास में आ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, और दोस्तों इसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाग टू में। दोस्तों भाग फर्स्ट के आगे का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, अर्थात सरल रेखी गति क्या होती है, यहाँ से हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे। और बाकी इसमें हम समय क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, दिशा क्या होती है, और उसके साथ साथ आपका चाल और लंबाई क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, यह सब परिभाषाएं आज हम देखेंगे। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट चैनल पहली बार हैं, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, और कम से कम रोज 10 से 15 स्टूडेंट को फटाफट अभी आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट आ सके। दोस्तों कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे अभी समस्या को दूर किया जा सके। ठीक, तो दोस्तों आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सरल रेखा में गति में पहला हेडिंग हमारा अब आ जाता है कि सरल रेखी गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो परिभाषा कहता है, ध्यान सुनेगा आप लोग, कि सरल रेखी या एक विमी गति एक सरलतम गति है। इस प्रकार की गति में सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करता है जिसे चर राशि एक्स से व्यक्त किया जाता है और जो समय टी पर निर्भर करती है। ठीक, बात ध्यान सुनेगा, एक बार मैं फिर से परिभाषा को रिपीट कर रहा हूँ कि सरल रेखी या एक विमी गति, ध्यान सुने, सरल रेखी या एक विमी गति एक सरलतम गति होती है। इस प्रकार की गति में सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण, मतलब प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करता है जिसे हम चर राशि एक्स से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं जो समय टी पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं गणितीय रूप में इसे कैसे लिखेंगे, तो बात करते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स बराबर एफ ऑफ टी, मतलब कि टी का कोई फंक्शन हमें दिया हुआ एक्स के बराबर, यानी कि समय के साथ आपका चर एक्स भी परिवर्तित होता रहेगा। बात क्लियर होगी, एक्स बराबर एफ ऑफ टी, जहाँ एफ ऑफ टी समय टी का एक फलन है, फंक्शन है। बात क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी कण की सरल रेखी गति के लिए भिन्न भिन्न समयों पर कण की स्थिति का मापन आवश्यक होता है। स्थिति तथा समय दोनों के मापन के लिए प्रत्येक मापन में तीन बातों की जानकारी अनिवार्य है। पहला, आप मापने के लिए मूल बिंदु आपको चाहिए, दूसरा दिशा आपको चाहिए, और तीसरा आपका आता है मात्रक, तीनों आपको इम्पोर्टेंट है। तो आइए बारी बारी सबका देखते हैं। तो पहला आपका आ जाता है दोस्तों स्थिति का मापन, पहला हेडिंग आता है आपका स्थिति का मापन में मेजरमेंट ऑफ पोजिशन में पहला हेडिंग आपका आ जाता है मूल बिंदु। तो दोस्तों पहला मूल बिंदु में हम इसका परिभाषा, ध्यान सुनिएगा, कि किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसा कि आप अभी सरल रेखाएं पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, मूल बिंदु का एक यूज होता है, उसी तरीके से इसमें भी मूल बिंदु का यूज होगा। यानी कि कहीं भी कोई भी कण जहाँ से भी चलेगा तो किसी न किसी मूल बिंदु को हमें मानना होगा। तो उसी को बात करते हैं कि इस बिंदु का चुनाव स्वैच्छिक होता है। अब कहीं पर भी आप पॉइंट मान सकते हैं, मूल बिंदु मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि आपका एक सरल पथ यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर मूल बिंदु आपका 0 है और 1, 2, 3 इधर है और -1, -2 इधर है, इसे हम कहेंगे कि मूल बिंदु। बात क्लियर होगी, आगे कहेंगे कि मूल बिंदु पर कण की स्थिति को एक्स बराबर 0 माना जाता है। तो ये आप जानते भी हैं, जैसे कि हम लोग मैथ में भी बातें हैं, मूल बिंदु को 0, 0 मानते हैं, तो यहाँ पर एक्स बराबर अब 0 मानेंगे। बात क्लियर होगी, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है दिशा, दिशा भी जरूरी है। तो दिशा, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में ध्यान सुनेगा कि मूल बिंदु के दाएं ओर की दिशा धनात्मक तथा बाएं ओर की दिशा को ऋणात्मक ली जाती है, ये तो आप जानते हैं पहले से। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को धनात्मक लेते हैं और नीचे की दिशा को हम ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो फिगर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ ऊपर पॉजिटिव लिया गया, ये धन एक्स है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। तो आप प्लस माइनस तो जानते हैं कि किस तरीके कैसे मानना होता है। इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है यूनिट, मात्रक क्या होती है।
तो कण की स्थिति के मात्रक का चयन तय की गई दूरी के परिमाण पर निर्भर करता है तथा सुविधा अनुसार सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर या किलोमीटर आदि हो सकता है। बात क्लियर हो गई यूनिट के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट आ जाता है समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट, समय का मापन कैसे करेंगे, तो इसमें आपका पहला पॉइंट सेम आ जाएगा, मूल बिंदु ओरिजिन। तो समय के मापन के लिए, ध्यान सुनिए, समय के मापन के लिए प्रारंभिक समय को क्या मानते हैं, मूल बिंदु माना जाता है, तथा मूल बिंदु पर जो समय होता है वो टी बराबर जीरो लेते हैं। सिंपल सी बात है कि मूल बिंदु रहेगा तो वहाँ पर टी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। इसके बाद दिशा, इसमें भी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, समय के मापन में दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। ध्यान सुनेगा कि समय के मापन में दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, यह सदैव धनात्मक लिया जाता है। समय हमेशा क्या होती है, धनात्मक होता है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है कि क्या समय आपका ऋणात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है या दोनों हो सकता है, तो आप कहेंगे समय हमेशा धनात्मक होता है। बात क्लियर होगी। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आता था सेम चीज़ें मात्रक। तो समय के मात्रक का चयन समय अंतराल के परिणाम पर निर्भर करता है तथा सुविधा अनुसार, जैसे आप घंटा, मिनट, सेकेंड, माह, वर्ष आदि आप ले सकते हैं, हो सकता है। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पर है कि स्थिति अक्ष पर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी तथा समय अक्ष पर दो बिंदुओं के मध्य का अंतराल मूल बिंदु के चयन पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा आ जाता है दोस्तों सदिश और अदिश राशियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं अदिश राशियां, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज। इसमें परिभाषा ध्यान सुनेगा कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिणाम, मैग्नीट्यूड, परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे मैं आपका इसमें समय भी आ जाएगा, क्योंकि समय को दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मैं आप कह सकते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल आदि को इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब राशियाँ क्या होती है, अदिश राशियाँ। इसे यहाँ पर याद रखिएगा, जिसमें आपको दिशा चाहिए उसको छोड़कर बाकी जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती वे सभी राशियां क्या होती है, अदिश राशियां होती है। ये आप पहले से पढ़े भी होंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये जस्ट उसका उल्टा होगा कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। उसमें क्या था, सिर्फ परिणाम से मतलब था, दिशा से नहीं, लेकिन इसमें दिशा का भी वैल्यू रहेगा। तो यानी कि दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया आदि हम कह सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। दो परिभाषाएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएँ सदिश और अदिश की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो गति संबंधी कुछ मूलभूत पद हैं, सम बेसिस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन से। तो गति संबंधी मूलभूत पद जो कि निम्नलिखित, जिसमें क्या हम पढ़ेंगे, अब दूरी या पद की लंबाई क्या होती है या विस्थापन क्या होता है, ऐसे अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते आगे बढ़ेंगे, और जो कि ये इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। तो पहला हमारा हेडिंग आ जाता है दूरी या पथ की लंबाई, डिस्टेंस आर पथ लेंथ भी उसे हम कह सकते हैं। परिभाषा ध्यान सुनिएगा कि दूरी की परिभाषा ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, इससे आपको आईआईटी में भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बने हुए हैं, बन भी सकते हैं। ठीक, तो परिभाषाएं ये कहता है कि किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी कण द्वारा निश्चित समय में, ध्यान से, निश्चित समय में तय की गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशियां होती है, या एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिसकी बीमा आप जानते हैं दूरी की लंबाई, बीमा क्या होती है, एल होती है, लंबाई से लंबाई मापेंगे। तो जिसकी बीमा एल होती है, गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान सदैव बढ़ता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि समय के साथ दूरी भी बढ़ती है। और आगे कहा गया है कि माना कोई वस्तु x अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु 0 से a तक 100 मीटर की दूरी तय
तय करता है तब इस पथ की लंबाई क्या होगी, 100 मीटर होगी। अब यदि वस्तु पुनः मूल बिंदु पर आ जाए तब पथ की लंबाई तय की गई दूरी क्या होगी, 100 जाने में प्लस 100 आने में, तो 200 मीटर होगी। बात क्लियर हो गई। अब कहेंगे पथ की लंबाई या दूरी अदिश राशि केवल परिमाण होता है, दिशा बिल्कुल नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसमें आप किधर भी जाएंगे अब हमें सिर्फ उससे मीटर उसके दूरी से मतलब है। यहाँ आप देख सकते हैं एक फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या वह मूल बिंदु, यहाँ पर ये क्या है, ये जो ए पॉइंट है ये क्या है, दूरी मीटर में दिया गया है। तो 100 मीटर अगर ये जाता है पॉइंट ए तक और फिर वापस आता है तो क्या होता है, इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, 200 मीटर की होगी। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वस्तु की पथ की जो लंबाई है वो यहाँ पर दिखाया गया है। एक नोट पॉइंट है कि दूरी के मापन हेतु ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन के रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान सुनिएगा कि दूरी के मापन हेतु ओडोमीटर, ध्यान सुनिएगा कि दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का, इसको याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है जस्ट उसी से रिलेटेड विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी दूरी के बारे में बताया, अब विस्थापन के बारे में जानेंगे, उसके बाद दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक मतलब मूल बिंदु से एवं अंतिम स्थिति जहाँ तक वह पहुँचा हुआ उनके बीच की न्यूनतम दूरी को, मतलब कम से कम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए यह क्या है, ये विस्थापन एक सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन में दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है, दूरी का भी मीटर होता है और विस्थापन का भी मीटर होता है। तो यहाँ पर एक गणितीय भाषा में कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु x1 बिंदु x2 यदि कोई वस्तु x1 बिंदु से x2 बिंदु पर जाती है तब जो विस्थापन होगा अर्थात डेल्टा x होगा, दोनों का क्या होगा, अंतर होगा, अर्थात अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति अर्थात x2 माइनस x1 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। विशेष स्थितियाँ यहाँ पर कहा गया, ध्यान सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को तीन पॉइंट आप ध्यान सुनिएगा कि विस्थापन संबंधित मुख्य स्थितियाँ निम्न हैं। पहला है कि यदि x2 बड़ा है x1 से तब डेल्टा x जो होगा वो क्या होगा, हमारा धनात्मक आएगा, यानी कि x2 जो बड़ा होगा x1 से अर्थात प्रारंभिक स्थिति से बड़ा होगा अंतिम स्थिति, तो यहाँ पर डेल्टा x अर्थात विस्थापन जो आएगा वह धनात्मक आएगा। यदि x1 अर्थात प्रारंभिक स्थिति बड़ी है अंतिम स्थिति, तो यहाँ पर क्या विस्थापन जो डेल्टा x आएगा वह क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तब यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे में कि मान लेते हैं मूल बिंदु 0 है, यहाँ से ये पॉइंट एक व्यक्ति 100 मीटर चला और 100 मीटर फिर वापस मूल बिंदु पर वापस चला है, तो इसकी जो विस्थापन होगी क्या होगी, प्रारंभिक अंतिम स्थिति क्या है, 100 मीटर की है माइनस प्रारंभिक स्थिति 100 मीटर अर्थात 0 आ गया, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यानी डेल्टा x का विस्थापन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। ध्यान सुनिएगा कि विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है, जबकि दूरी का मात्रक हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं दूरी को क्या करते हैं कि अगर किसी भी ऐसे कोई भी पिंड गया तो इसकी पूरी दूरी को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे दूरी में, लेकिन विस्थापन में क्या करेंगे कि प्रारंभिक स्थिति यहाँ है और अंतिम स्थिति यहाँ है, इसकी न्यूनतम दूरी को डायरेक्ट करेंगे और ये हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा, और ये जो घूम फिर के जा रही है वस्तु ये हमारा क्या होगा, दूरी होगा। ध्यान सुनिएगा। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। बात क्लियर कि गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। यदि कोई गतिमान वस्तु जिस बिंदु से गति प्रारंभ करे
वापस लौटकर उसी पर आ जाए तो उस स्थिति में विस्थापन शून्य हो जाता है, जैसा कि अभी हमने जस्ट आपको बताया है, परंतु दूरी शून्य नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 100 मीटर व्यक्ति गया और 100 मीटर वापस आया तो दूरी इसकी क्या हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी, जबकि विस्थापन क्या हो जाएगा, जाने और आने में घटा देंगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति शून्य आ जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि गतिमान वस्तु का जो विस्थापन होता है तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है और उसके बराबर तक हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, या फिर दूसरे भाषा में हम यह कह सकते हैं कि दूरी जो होती है विस्थापन के बराबर हो सकती है या दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन लेस देन आर इक्वल टू दूरी दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि विस्थापन बटे की दूरी लेस देन आर इक्वल टू वन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि विस्थापन में दूरी से अगर भाग देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह तो एक आएगी या एक से कम हमेशा आएगी। यहाँ कहा गया अर्थात विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदा एक से एक के बराबर या एक के कम होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ही है यहाँ पर कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होती है उसको हम लोग जान लेते हैं, और इसके बाद हम लोग दूरी और विस्थापन पर हम 2 से 3 क्वेश्चन आंकिक सवाल लगाकर सीखेंगे। बात क्लियर है? तो इसमें पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर दूरी लिखा गया है और यहाँ पर हमारा क्या विस्थापन, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन में किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, जो कि आप परिभाषा से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि दूरी हमारी एक सदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन हमारा क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, यानी कि दूरी हमारी एक अदिश राशि, विस्थापन हमारा एक सदिश राशि होता है। और क्या कह सकते हैं कि यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन जो होता है वो पिंड की पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। बात क्लियर है? इसके बाद अगला करेंगे कि गतिशील कण के लिए दूरी का मान ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं होता है, यानी कि गतिशील कण के लिए दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि गतिशील कण के लिए विस्थापन का मान ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक दोनों हो सकता, तीनों हो सकता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट इसमें और डिस्कस कर लेंगे हम कि गतिशील कण के लिए दूरी समय के साथ घट नहीं सकती है, गतिशील कण के लिए विस्थापन समय के साथ घट सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर घटाएंगे जाने और आने में समय तो 2 सेकेंड लगेगा, लेकिन विस्थापन क्या होगा, वापस आ जाएगा तो शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यह गतिशील कण के लिए जो दूरी होगी समय के साथ घट नहीं सकता, लेकिन गतिशील विस्थापन क्या हो सकती है, किसी गतिशील कण के लिए क्या हो सकती है, घट सकती है। तो दोस्तों ये था दूरी और विस्थापन में अंतर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी दूरी और विस्थापन जितने हमने आपको परिभाषाएं बताएं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों दूरी और विस्थापन पर आधारित 2 से 3 आंकिक सवाल लगा लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ मैंने ये पढ़ा तो इस पर किस तरीके से आंकिक सवाल पूछे जा सकते। तो आइए हम लोग आंकिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन में फर्स्ट लिया हुआ है कि एक व्यक्ति 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची 10 सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी व विस्थापन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर, ध्यान सुनिए, 6 सेंटीमीटर ऊंची, मतलब ऊंचाई आपका 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 8 सेंटीमीटर वह चौड़ा होना चाहिए, 10 सीढ़ियों की बात यहाँ पर कहा हुआ है। तो मान लो थोड़ा फिगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका सीढ़ी होगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर चौड़ी दिया हुआ है सेमी, और ऊंची आपका दिया हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके 6 सीढ़ी, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इस तरीके से आपका रहेगा, आपको क्लियर हो गया? तो यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं, ए पॉइंट, ये बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरीके से रहेगा। ये फिगर एक मैंने आपको दर्शा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लिखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ वैसे वैसे लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, हमें दिया एक सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है, एक सीढ़ी की
ऊंचाई मान लेते हैं h बराबर हमें दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक, में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एक सीढ़ी का चौड़ाई हमें दिया हुआ है, चौड़ाई हमें दिया हुआ है, मान लो चौड़ाई वृत्त है, b से प्रदर्शित करते हैं तो b हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टोटल सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 10 लिखेंगे, सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की संख्या अर्थात n बराबर कितना है 10, 10 सीढ़ी हमें चढ़ना है, क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है। तो लिखेंगे व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, लिखेंगे व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो हमें पहले दूरी निकाल लेते हैं। अगर दूरी की बात करें तो दूरी को हम डिस्टेंस d से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल d से, ध्यान समझिएगा। और तो यहां क्या करेंगे, यहां पर हम n इंटू एच करेंगे प्लस क्या करेंगे n इंटू बी करेंगे, ध्यान सुनिएगा, क्यों, क्योंकि या तो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कामन लेकर एच प्लस बी कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं आप ऊंचाई प्लस चौड़ाई आप कर दीजिएगा, क्योंकि दूरी तो यही होती है कि इसकी जितनी ऊंचाई है और चौड़ाई है। तो यन है तो यन क्या है, यन हमने 10 सीढ़ी तक, 10 गुड़े यहाँ पे इसका वैल्यू रखें तो कितना ऊंचाई कितना आपको दिया 6 और प्लस चौड़ाई कितना दिया 8 दिया है, तो यहां से कर सकेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुड़े 8 6 14 हो गया, तो इसमें गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 140 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि कुल दूरी जो होगी, कुल दूरी d बराबर आ गया हमारा 140 सेंटीमीटर होगा, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। तो यानी कि कुछ इस तरीके से आपका अब फिगर बनेगा, अर्थात एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट है। और यहाँ बात करें तो ये आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, प्रश्नानुसार लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपका लिखेंगे ए सी का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब अर्थात क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, वैल्यू फटाफट पूरे 80 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं 68 64 100 और प्लस यहाँ पर 3600, ठीक। और यहाँ पर ए सी दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10000, ठीक। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर 10000 सेंटीमीटर आ गया, तो ए सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ से विस्थापन की, विस्थापन, तो विस्थापन आपका यहाँ आपका क्या आ जाएगा, विस्थापन आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ध्यान से कैसे। इस फिगर की ओर चलिए, तो देखिए विस्थापन में लेना ऐसे 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 10 तक जाएगी ना, तो यहां से इस पॉइंट को मिलाएंगे सीधा, डायरेक्ट मिलाएंगे, ध्यान सुनेगा, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर मिला रहे हैं तो क्या एक त्रिभुज बन रही है, समकोण त्रिभुज बन रही है। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ता है, ये भी समकोण त्रिभुज, इसी तरीके से सब समकोण त्रिभुज बनता जाएगा, तो 10 अंग तक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये ऊंचाई क्या 60 है, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो फिगर हमने बनाया हुआ है, तो ये वाला क्या होगी आपकी चौड़ाई जो होगी वह 8 × 10 10 सीढ़ी तक जाना है तो 80 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ऊंचाई आकर 6 सेंटीमीटर है और 10 सीढ़ी है तो ये हो जाएगा 10 से गुणा ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही हमने यहाँ पर निकाल विस्थापन निकालने के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूरी d का वैल्यू जो आएगी 140 सेंटीमीटर, ये तो सिंपल सा है, और विस्थापन आप इस तरीके से निकालेंगे, बात क्लियर हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए कि एक व्यक्ति अपने घर से 50 मीटर उत्तर में फिर 40 मीटर पूर्व की ओर तत्पश्चात 20 मीटर दक्षिण की ओर चलकर मैदान में पहुंच जाता है, तो मैदान में पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी अर्थात d हमें निकालनी है, उसके घर से मैदान तक कितना विस्थापन हुआ ये हमें निकालना है। तो दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे हम लोग फिगर बनाएंगे। तो दोस्तों पहले फिगर बनाने से पहले आप एक पहले दिशा निर्देश आपको जानना चाहिए, यानी कि आपको ऐसे चिन्ह खींचिए, ऊपर आपका होता है उत्तर, ठीक, नीचे आपका होता है दक्षिण, इसको ध्यान में,
आपके इधर दाएं तरफ आपका हो जाता है पूरब, पूर्व, और इधर हो जाता है बाएं तरफ आपका पश्चिम। बात क्लियर हो गई? अब जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ वैसे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ का एक व्यक्ति अपने घर से, मान लेते घर उसका मूल बिंदु पर, घर से 50 मीटर उत्तर की ओर, ध्यान सुनिएगा, मान लेते ये घर यहाँ पे, इसका ये यहाँ पे इसका क्या है, घर है मूल बिंदु पर, ठीक, और कहता है 50 मीटर उत्तर। तो उत्तर किस तरीके से जाएंगे? उत्तर हम इस तरीके से, उत्तर ऊपर है तो ऊपर जा चले गए हम लोग 50 मीटर, ये हमने 50 मीटर उत्तर चले गए, ठीक। फिर कहता है 50 मीटर उत्तर में फिर 40 मीटर पूर्व की ओर। तो अब दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर पहुंच गए 50 मीटर तक, और यहां से हमें पूर्व की ओर जाना, तो पूर्व किधर, इस दिशा में, तो इधर हम चलेंगे कितना, 40 मीटर। तो 40 मीटर हमने यहाँ पर चल दिए, ये हमारा हो गया 40 मीटर पूर्व की ओर। फिर कहता पूर्व में चलने के बाद तत्पश्चात 20 मीटर हमने दक्षिण की ओर चलकर, तो 10 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण आपका इस दिशा में पड़ेगा, तो 20 मीटर हम चल देते हैं, ये 20 मीटर हम दक्षिण में चल दिए। अब पहला पॉइंट हमें कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि मैदान यहाँ पर पहुंच जाता है, तो यानी कि वह मैदान में पहुंच जाता है। तो कहता है मैदान में पहुंचने के लिए उसे उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो लिखेंगे व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो क्या हो जाएगा, दूरी को मान लेते डी से प्रदर्शित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर सभी को जोड़ देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर, तो यहां से आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 4 2 6 6 5 11, अर्थात 110 मीटर कुल दूरी जो होगी वह 110 मीटर होगी, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, तो पहला का आंसर आ गया 110 मीटर, और जो मैटर आती है वो विस्थापन में आती है, तो लिखेंगे व्यक्ति द्वारा तय की गई, व्यक्ति द्वारा चली गई विस्थापन, तो विस्थापन की बात करें, विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन की अगर बात करें दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, यहाँ फिगर में देखिए ध्यान से, विस्थापन निकालने में ही कठिनाई होती है। तो ये फिगर आपने बनाया यहां तक ये चला, तो देखिए ये कितना 50 मीटर और ये कितना 40 मीटर, और हमें यहां से यहां तक की दूरी हमें चाहिए डायरेक्ट की, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे इस पॉइंट को मिला दीजिए, यानी कि ये 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा, और ये पूरा 50 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर, ठीक। ध्यान सुनिएगा, 30 मीटर ये हो गया, 40 मीटर ये, तो 40 मीटर ये भी रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, हमें ये दूरी चाहिए, यहां से पॉइंट से ये दूरी चाहिए, तो अब ध्यान सुनिएगा कि ये 40 मीटर, तो ये दूरी भी यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी, 40 मीटर होगी, ये हमारा क्या आ गया, 30 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, या अगर बात करें तो दोस्तों आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन चुका है, ठीक। ये आपका इसका यहाँ पर घर है, और यहाँ पर उसका क्या है, फील्ड मैदान, और मैदान से वो पूछा विस्थापन, मतलब ये पॉइंट पूछा। अगर इस पॉइंट को अगर बात नाम दे दें, अगर यहाँ पर नाम दे देते, मान लेते ये पॉइंट आपका ए हो गया, और ये पॉइंट आपका बी, और ये पॉइंट अगर सी और डी ई, ऐसे दे लेते हैं, तो अर्थात ए बी के हमें मान निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, अर्थात यहाँ पर पॉइंट ए डी और सी, ये हमें क्या है, 40 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये हमें निकाला कितना, ये 30 मीटर है। अब हमें ए बी चाहिए, तो यहां से लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर, अर्थात ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधार था ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बनो फटाफट पुट कर देते, 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से करेंगे 40 का स्क्वायर करेंगे 4 का 16, एक 1600, और प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 900, आप सबको जोड़ देंगे तो क्या, ये 2500 आ जाएगा, और ये आ गया ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 2500, यानी कि इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 मीटर, ठीक। यानी कि ए बी और ये भी जो होगा वही क्या होगा, हमारा विस्थापन होगा, और विस्थापन हमारा आ गया 50 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम विस्थापन निकाल, जो मैटर होगी क्वेश्चन में आपको विस्थापन निकालने में ही समस्या आएगी, और दूरी में तो आंख मूंद कर आपको सिर्फ जोड़ना है, तो आपका विस्थापन आ चुका है 50 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको दूरी और विस्थापन दो आंकिक सवाल बताए हुए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही परिभाषा पढ़ते रहेंगे और इस पर आंकिक सवाल लगाते रहेंगे, और लास्ट में हम आंकिक की तरफ जब चलेंगे तो वहां पर हम काफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।